नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का माँ काली सम्मेलन 2020 में स्वागत करता हूँ। कालिंका मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा दोनों जिलों के सीमांत क्षेत्र में ऊंची एवं खूबसूरत चोटी पर स्थित है, जो अल्मोड़ा के श्यालदह ब्लॉक में और गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक में पड़ता है। इस चोटी से ठीक सामने सुंदर हिमालय का दृश्य दिखाई देता है। कालिंका मंदिर के चारों ओर पहाड़ अनेकों वृक्ष लताएं से ढके हुए हैं। यहाँ हरियाली ओढ़े ऊंचे नीचे पहाड़ से खूबसूरती इसका खूबसूरती का अंजार आप यहाँ आके ही लगा सकते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी बढ़ियारी वंशज गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई है, जो कि सनातन धर्म से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ है और यहाँ प्रत्येक 3 साल में एक बड़ा मेला होता है, जिसे जतोड़ा भी कहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंड को अपना परिवार मान लिया है। आज वो कई कामों से लेकर उत्तराखंड के विकास के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच है, हमारे बीच अल्मोड़ा के श्यालदह ब्लॉक के विधायक आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी। जीना जी, आपका महाकाली सम्मेलन 2020 में बहुत बहुत स्वागत। जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन सर आपसे था, काल में आपने अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कैसे मतलब काम किया? दीपक जी, कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन उसको फॉलो करके हम लोगों ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। मेनली तो जो स्टार्टिंग में कोरोना की प्रॉब्लम आई तो लोगों को जागरूक किया कि हम लोग बाहर ना जाएं, अपने घरों में रहें, ये ना सोचे कि अगर सरकार हमारे पर पीछे से देख रही है तो हम लोग घर में रहें वरना बाहर रहें, ऐसा ना सोचकर खुद अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और ये सब लोगों को जागरूकता लाए। और स्टार्टिंग में जब पूरे मुझे लगता है कि लोगों के पास सामान नहीं था, उस समय हम लोगों ने केमिकल का जो पूरे छिड़काव था पूरे सल्ट विधानसभा में करवाया। 3 वर्कर को हमने हायर किया, एक गाड़ी पे लेके अपने सल्ट विधानसभा के हर बाजार में जहाँ पर आपका सरायकेला और मटानी वाला एरिया, वहां भी हम लोगों ने केमिकल से वहां पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया और मास्क दिए हमने पुलिस को, डॉक्टर्स को, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनके लिए मास्क और सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजर थे वो लाकर हम लोगों ने वितरित किए। और मेनली एक कैम्फर 1 दवाई थी और आर्सेनिकम एल्बम 30 करके होम्योपैथी की दवाई थी और करीब 1 लाख लोगों को हमने अपनी विधानसभा में लोगों को बांटी और फ्री लोगों को होम्योपैथी की दवाई थी, वितरण की, घर घर जाकर गांव गांव जाकर लोगों को वितरण की दवाई। और जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती थी, हर घर में हमने लोगों को दवाई दी। तो इस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में जो जो चीजें जरूरत थी उनको लोगों को मदद करने का प्रयास किया, अपने पहाड़ में भी और दिल्ली में भी। ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास राशन उपलब्ध था, उनको राशन की किट बांटने का काम किया। तो ये कोरोना काल के कोरोना के टाइम पे हमारा काम था और मैं स्वयं घर पर रहकर सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जिन जिन लोगों को दिक्कतें रहती थी, जैसे पास की दिक्कत रहती थी आमतौर पर क्योंकि कैजुअलिटी हो जाती है, किसी के फादर एक्सपायर कर रहे हैं, किसी की मदर, तो उनको पास की बड़ी दिक्कत होती है। दिल्ली में उस समय मेन जो काम होता था वो सुबह से रात तक वो बाहर से आने वाले लोगों को पास उपलब्ध कराने का रहता, तो वो हम लोगों ने उस पर काम कर कोशिश की कि लोगों को मदद मिल पाए। तो कोरोना के पीरियड में मार्च से लेकर जुलाई तक हम इसी काम में, जून तक हम इसी काम में अपने अंजाम देते रहे और अपने विधायक के तौर पर बाहर न रहकर घर में रहकर ये काम किया। जी सर, अच्छा सर, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे कि आप जैसे कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपका सर ये कैसे मन लगा कि आप उत्तराखंड में लोगों की सेवा करी जाए और कैसे मतलब ख्याल आया आपका? भाई देखिए, हम लोग उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, उत्तराखंड की मिट्टी हमारी, उत्तराखंड की पहचान हमारी है। हम दिल्ली रहे, बाहर रहे, कहीं भी रहे, लेकिन आखिर में पहचान तो हमारी उत्तराखंड ही है। मन में ये भाव था, लेकिन यहाँ पर जब हमारा अच्छा काम सेट होता दिल्ली में तो लगा कि पहाड़ में जाकर कुछ काम करना चाहिए। उत्तराखंड आंदोलन के लिए हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो उस समय भी हर आंदोलन में भागीदारी करते थे। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, जब उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के लिए हम लोग भागीदारी करते थे, राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में और काम किया जाए, ऐसे मन में भावना थी। ये सोचकर सन 2000 से उत्तराखंड में हम लोग
लगातार काम कर रहे थे उस समय, नए नए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना, खेलों को बढ़ावा देना, गरीब लोगों की, गरीब बेटियों की शादी करना, ये काम हम लोग उत्तराखंड में छुड़कर कर रहे थे। और इसका परिणाम हुआ कि 2007 में मेरे सामाजिक कार्यकर्ता कामों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं 2007 से लगातार पहले विकासखंड का विधायक था, फिर 12 वर्ष 2017 में सल्ट से विधायक हूँ। लगातार 3 बार लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और हम लोग लगातार काम जी कर रहे अच्छा, हैं। तो सर ये आपको यानी अभी कितना मतलब टाइम हो गया, ये अब कब से मतलब उत्तराखंड में हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की? देखिए वैसे तो मैंने कहा कि बचपन से ही उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार 2000 से सन 2000 से उत्तराखंड में मैं सेवा का काम कर रहा हूँ। और क्योंकि दिल्ली में मेरा व्यवसाय था तो उस समय भी हमारी कमाई का 10% जो हमारे लाभ का अंश होता था हम उत्तराखंड में लगा रहे थे। उस समय शुरुआत में सरकारी जो सामाजिक पेंशन होती थी 125 रुपये महीना, ये विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्ध पेंशन सरकार देती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके जैसे माता पिता नहीं है और बहुत छोटे हो गए, अनाथ हो गए, उनको कोई नहीं था, तो उस समय मैं उनको 500 रुपये 400 रुपये दे के ऐसे सहयोग करता था और लोगों से जुड़ाव था। और जब उस समय कंप्यूटर स्टार्टिंग हुई थी, नया नया कंप्यूटर आया था, हमारे पहाड़ के लोग जानते नहीं थे कंप्यूटर क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलकर मैंने फ्री लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन में काम किया। तो इस तरह हम लोग धीरे धीरे जुड़े रहे और ये जुड़ाव का फायदा मिला कि मैं आज लगातार 3 बार वहां का विधायक। जी। अच्छा सर, ये जो जैसे कि लोग, कई लोग जानना भी ये भी चाहते हैं कि आप मतलब प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी मतलब अल्मोड़ा में कहाँ पे है और आपकी एजुकेशन वगैरह है कहाँ से आपने करी है? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और मेरा जो प्रॉपर घर है वो ताड़ीखेत विकास खंड में एक नैटी करके ग्राम सभा है। मेरी ग्राम सभा का नाम जी नैटी है और वो ताड़ीखेत विकास खंड के अंदर आती है, जो अभी वर्तमान में रानीखेत विधानसभा का पार्ट है। बाकी मैं भिकियासैन जी विधानसभा भिकियासैन में रहता हूँ, भिकियासैन बिहार में ही मेरा घर है। और शुरुआत में जब उत्तराखंड राज्य बना तो भिकियासैन भी एक विधानसभा होती थी, जो फिर बाद में पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर विधानसभाएं कम हुई और प्लेन्स में जनसंख्या के आधार पर विधानसभा बढ़ गई, तो हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में 3 विधानसभाएं कम हुई थी, जिसमें कनाली छीना कपकोट और भिकियासैन मेरे ख्याल से 3 विधानसभाएं थी जो कम हुई थी। और उसी के तहत भिकियासैन विधानसभा भी खत्म हो गई थी। 2007 से 12 में भिकियासैन का विधायक रहा, उसके बाद जब विधानसभा खत्म हो गई तो मैं सल्ट से चुनाव लड़ा। जी सर, जैसे आप दिल्ली से ही मतलब पढ़े लिखे हैं और आप मतलब उत्तराखंड के लोगों से भी आपका इतना प्यार रहा है, तो आप ये उत्तराखंड के जो हमारे रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, उसको अभी कभी भूले नहीं है? जैसे आप पैर छूना, मैंने बहुत सारे आपके देखे हैं इस तरीके से, आप ये जैसे आप बड़ों के पैर छूते हैं, इस तरह की हमारे बहुत सारी संस्कृति है जो आप अभी भी उन चीजों से जुड़े हुए हैं देखिए अनूप जी, मैंने दीपक जी, उन। मैंने देखा है कि आदमी जब वोट मांगने जाता तो सब कहते हैं साहब मेरे माता पिता, सब आप मेरे भगवान आप हो, लेकिन जीतने के बाद आमतौर पर जो विधायक बन जाता है वो अपने को बड़ा समझने लगता है। ये हम लोग शुरुआत से जब विधायक नहीं थे तब भी इस बात को महसूस करते थे, अपने में ये परिवर्तन ना आए। अगर हम वोट मांगने के समय समझते हैं कि सामने जो जनता ये भगवान है, तो जीतने के बाद भी हम ये महसूस करें कि ये भगवान हमेशा रहती है। किसी आदमी को एक बार विधायक बनना आसान है, लेकिन उसको बराबर मेंटेन करना, अगर वो मन में भाव रहेगा कि सामने जो जनता वही भगवान है, तभी हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ। और ये हमारी संस्कृति है और मुझे लगता है उत्तराखंड में नहीं, बड़ों का सम्मान तो हर जगह सिखाया जाता है, चाहे दिल्ली में रह रहे हो लोग, चाहे उत्तराखंड में रह रहे हो, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, ये तो हमें बचपन से सीखा है। जी। तो सर जैसे कि आप मतलब व्यवसाय भी आप लोगों को, आप 7,000 से ऊपर लोगों को आपने रोजगार भी दिया हुआ है, तो ये मतलब किस तरीके से आप, आपका ये कैसे, आप किस तरीके से जोड़े हैं, आपको लोगों को कैसे जोड़े हैं, यानी किस तरीके का व्यवसाय है? दीपक जी, मेरा मैन पावर फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है, मैन पावर का मैं गवर्नमेंट ऑफिसों में मैन पावर प्रोवाइड करता हूँ। तो हमारे पहाड़ के लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जैसे फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, पियोन है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, या बहुत सारे गेस्ट हाउसेस मेरे पास है, गेस्ट हाउस मेंटेनेंस का भी काम है। तो कुकिंग में हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, कुक है, वेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे रोल पे रहते हैं। जो आपने बताया कि लगभग 7,000 के करीब लोग मेरी कंपनी के रोल में, और उसमें मुझे लगता है कि 600-700 लोग जो सुपरवाइजर की पोस्ट हो,
या कहीं ड्राइवर हो, कहीं पियोन हो, कुक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर के लोगों को भी लगाऊं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मेरी कंपनी में जुड़े। जी सर, सर हमारे साथ हमारे महाकाली निर्माण समिति गढ़वाल अल्मोड़ा के अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं। अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ मैं। सर नमस्कार, मैं नमस्कार अध्यक्ष जी। सर नमस्कार सर, आप सब बढ़िया? सब बढ़िया अध्यक्ष जी। सर धन्यवाद आप लोगों का, माता रानी आप लोगों पे और सभी लोगों पे कृपा बनाए रखे, आप लोग हमारे इस आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर आप हमारे महाकाली मंदिर में आपका बहुत बड़ा योगदान है, हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं आपके आशीर्वाद के लिए, आप हमेशा खुश रहें। बहुत अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका और माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं हम भी। जी सर, जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मंदिर के विषय में आप बहुत सोचते हैं और आपने वहाँ पे बहुत अच्छा काम भी करवाया है, हम आपके आभारी हैं इसलिए। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी आप लोग शायद हमारे मंदिर के, और हमारा क्या है आपका ही है, मंदिर के बारे में बहुत कुछ करेंगे वहाँ पे और सोचेंगे वहाँ के बारे में। अब अध्यक्ष जी है अभी एक नई योजना बना रहे हैं हम लोग, तो हमारा धार्मिक पर्यटन से जोड़ने के लिए एक नया पर्यटन सर्किट माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, जिसमें हम लोग मरचूला तक टूरिस्ट बहुत सारे लोग आते हैं, तो मरचूला मनीला और उसके बाद चित्तौड़खाल, चित्तौड़खाल में जो कालिंका देवी का हमारा मंदिर और चुनियागढ़ी मंदिर है, इनको भी हम लोग उस पर्यटन सर्किट में सम्मिलित कर रहे हैं। और अभी लगभग 50 से 60 लाख रुपए का एस्टिमेट कालिंका मंदिर का भी और चुनियागढ़ी मंदिर का भी, मुझे लगता है कि आपके दिशा निर्देश के अनुसार विभाग के लोगों ने बनाया हुआ है, जो बहुत जल्दी स्वीकृत हो जाएगा और आने वाले टाइम में एक नया पर्यटन सर्किट जो धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी और हमारे बहुत सारे पर्यटकों को लुभाएगा, क्योंकि कालिंका मंदिर हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पहचान है, माँ कालिंका देवी की बहुत हमारे पर कृपा है और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है जो आने वाले टाइम में हम पूरे क्षेत्र के लोगों को बता पाएंगे। और जुनियागढ़ी और भवना देवी मंदिर भी हमने पर्यटन सर्किट में सम्मिलित किए हैं, तो मरचूला जो टूरिस्ट जिन पर्वत नेशनल पार्क देखने आता है आगे भी बढ़े और हमारे मानिला देवी मंदिर, हमारे कालिंका देवी मंदिर, जुनियागढ़ी बना देवी मंदिर और इस तरह विकासन क्षेत्र में भी आने वाले समय में रेल चलने वाली है जो रामनगर से चौखटिया जाएगी, तो ये पर्यटन सर्किट जुड़ जाए आने वाले टाइम में, ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें आपके सहयोग हमेशा रहता है, आप मंदिर समिति में लगातार निर्माण के कार्य हो रहे हैं, इसमें मेरी भी सहकारिता रहे, मेरी भी भूमिका रहे, सहभागिता रहे और भूमिका रहे, इसके लिए मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आज हमारे दीपक रावत जी ने और अनूप जी ने आपसे इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत जल्द मैं मंदिर में भी आऊंगा, मुझे पता भी नहीं था कि किस बारे में हमारे दीपक जी बात करना चाह रहे हैं, मुझे तो लगा कि कालिंका मंदिर के विषय में बात होगी, लेकिन दीपक जी ने बहुत सारी बातें पूछी है और भी वो कुछ पूछना चाह रहे हो तो, क्योंकि मुझे 1 बजे मैंने कहीं और भी समय दिया हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी बहुत जल्द मंदिर भी आकर आपसे मिलता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार मंदिर के लिए प्रयासरत रहते हैं और मेरे लिए जो भी काम होगा मैं अवश्य करूंगा, इस बात का भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। जी सर बिल्कुल, वैसे भी आपके वहाँ पे अभी विधायक नीति से कोई काम चल रहा है, हम तो आपके आभारी है और हम चाहते हैं कि जिस विषय में आप बात कर रहे हो कि वहाँ पे हमारी ये 51 शक्तिपीठों में जो ये हमारे यहाँ पे काम हो रहा है 50-60 लाख रुपए के जो आप कह रहे, तो यहाँ पे भी जो पिछले बार यहाँ पे लोग आए थे आपके माध्यम से, शायद वो वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्दी उस पे ग्राउंड लेवल पे काम हो। तो बिल्कुल अध्यक्ष जी, बहुत जल्द उसका पैसा स्वीकृत हो जाएगा, मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आया था, उसके एस्टिमेट शासन में पहुंच गया और मुझे उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष में वो पैसा आ जाएगा और आपके दिशा निर्देश के अनुसार ही वो काम आगे होगा, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का और आप लोग हमसे जुड़े, और हमारे दीपक जी और अनुप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये एक मंच पे लाने की कोशिश की है। और हम तीनों लोग तो दिल्ली बैठे हैं लेकिन आपके दीपक जी और अनुप जी की वजह से हमें हमारा पूरा उत्तराखंड दिखाई दे रहा है आपके माध्यम से, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और हमारे धन्यवाद कि इन्होंने, इन लोगों ने बहुत कोशिश मंदिर के लिए कर रहे हैं ये लोग, और हम चाहते हैं कि माता रानी इन आप सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे और जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं हम आपके बहुत आभारी भी हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग, आप सही करे हो सर कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पहाड़ में, लेकिन आप लोग हमारे दीपा जी जैसे, अनुप जी जैसे अगर नौ युवक हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो हमारे महाकाली मंदिर का जो है
अच्छा विकास होगा, मुझे उम्मीद है, और आप जैसे लोग हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे धन्यवाद दीपक जी हैं, और मैं अनुज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की प्रोसेस वो कर। हाँ सर, मैं मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा एक दो क्वेश्चन है मेरे कि ये जैसे कि सर उत्तराखंड में जैसे कि पर्यटन के बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जी तो सर जी जी तो पर्यटन की जैसे बहुत सारी संभावना छुपी हुई है सर उत्तराखंड में, तो महाकाली हम चाहते हैं कि महाकाली मंदिर भी एक टूरिस्ट प्लेस एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो, उसके लिए सर रोड कनेक्टिविटी और जो बुनियादी चीजें हैं तो उन पे फोकस हम चाहते हैं कि उस तरह से, तो किस तरह से इसमें सर आपका कुछ सहयोग, और किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं, और क्या आप देखते हैं कि महाकाली मंदिर का जो जगह है, जो लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन है, वो भी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे मतलब टूरिस्ट के अगर लिहाज से देखा जाए तो काफी ऐसा लगता है कि जैसे मसूरी या किसी तरह की जो प्राइम लोकेशन लगती है, तो सर इसमें आपका क्या योगदान फ्यूचर में रहेगा, और क्षेत्रवासियों को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा कि हम इस पे क्या कार्य कर रहे हैं। अनुप जी, वो मैंने आपको जैसे बताया कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने विधानसभा क्षेत्र मनीला लेकर गया था, वहां एक नए पर्यटन सर्किट की मैंने स्वीकृति कराई है, और इकू खेत में भी पहले कुमाऊं मंडल विकास निगम का मैंने एक रेस्ट हाउस बनाया था, और आने वाले टाइम में एक नए पर्यटन सर्किट के तहत, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं लेकिन वो वहां से पूछ करके आगे क्या चीजें, लोग नैनीताल या रानीखेत चले जाते हैं, तो एक नया पर्यटन सर्किट हम लोग स्वीकृत करा रहे हैं, जिसमें मरथुला में एक करीब 40 करोड़ रुपए से लेकर झील बनने जा रही है, और उसके बाद 12 पॉइंट हम लोगों ने चयनित कराए हैं जहाँ पर उन व्यू पॉइंट को डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे आपके चित्रकूट क्षेत्र के भी 3-4 पॉइंट है, जिसमें मुख्य तौर पर मैंने कहा था कालिंगा मंदिर और जुनियागढ़ी मंदिर तो रहेगा ही विशेष तौर पर, और ये नया सर्किट जब बन जाएगा तो आने वाले टाइम में टूरिस्ट और आएंगे, मृतुला से वापस नहीं जाएंगे, वो लोग मृतुला से ऊपर आएंगे, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी पहले फेज में करीब 50-60 लाख रुपए का कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कालिंगा मंदिर में माननीय अध्यक्ष जी ने जो भी काम बताए होंगे उस पर काम चल रहा है, उसका एस्टिमेट शासन में चला गया है, उसका पैसा बहुत जल्द आ जाएगा जी। उसके अलावा अगर आपने कहा कि रोड कनेक्टिविटी चाहिए, अगर कालिंगा मंदिर, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम कालिंगा मंदिर गया था तो उस समय भी अध्यक्ष जी ने कहा था कि बहुत ऊपर तक रोड आने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत टूरिस्ट ऊपर भी, क्योंकि मंदिर तक लोग चाहते हैं कि पैदल होकर आए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मंदिर तक ऊपर रोड बने तो आजकल रोड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जेसीबी से ऊपर तक हम और रोड तो ला सकते हैं, अगर ऐसा होगा तो प्रस्ताव मंदिर समिति की तरफ से आ जाएगा, तो हम लोग जेसीबी के माध्यम से मंदिर तक और ऊपर तक रोड ले आ सकते हैं, बाकी तो नीचे मटकानी तक तो रोड हमारा बना हुआ है, और अभी एक जो गढ़वाल से रोड आ रही है और सर आपस में लिंक करना है जी सर, खासकर इसके लिए मैं अपने जी? हाँ जी सर, जी सर मेरा यही मुद्दा था कि खासकर जो गढ़वाल और अल्मोड़ा के बीच में है ये, तो सर जो दो रोड हैं, जो इधर से रोड आ रही है बिरुखाल से होते हुए रसिया महादेव, इनको अगर लिंक कर दिया जाए सर तो ये बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ हो जाएगी फिर उससे। बिल्कुल, आगे बहुत अच्छा सुझाव है आप पर, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि 23 तारीख से विधानसभा सत्र लग रहा है, मैं वहां के माननीय विधायक जी से इस बारे में बात करूंगा, और सांसद जी से भी हम लोग मिलेंगे कि इस रोड का आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो हमारा गढ़वाल और कुमाऊं का जो बीच का पोर्शन में लोगों को पैदल लाना पड़ता है वो तो गाड़ियों के माध्यम से आ सकता है, तो इसके लिए प्रयास करें। जी सर, सर ये आप जरूर इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ये इस तरह की चीज है कि इससे बहुत ही मतलब गेम चेंजिंग सिचुएशन वहां पे हो जाएगी। ठीक है अनुज जी, बिल्कुल बिल्कुल जी सर, धन्यवाद सर, आप आए हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप आगे भी आते रहेंगे, और मतलब वहाँ पे जाए सर कालिंगा मंदिर में एक बार आप जरूर जाइए, काफी बदलाव हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो उसको भी आप एक बार देखिए कि किस तरह से आपको क्या लगता है, और आपका सहयोग बना रहे हम माँ भगवती से उम्मीद करते हैं। अनुप जी, मैं बिल्कुल, जैसे ही इसका पैसा सैंक्शन होगा और उस पर काम प्रारंभ होगा तो मैं स्वयं जाऊंगा, और माननीय अध्यक्ष जी को और जो वहां पर अधिकारी लोग जो काम कर रहे हैं उनको मैं इस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जो भी मेरे अध्यक्ष जी चाहेंगे काम उसी तरीके से कराए जाए, और काम की गुणवत्ता बनी रहे, जो राज्य सरकार का पैसा है वो ठीक जगह लगे, तो मैं स्वयं जाकर काम स्टार्ट कराऊंगा, और मैं उस समय आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि अगर जब काम स्टार्ट होता है पैसा आने के बाद अगर आप लोग भी आएंगे तो इतनी दिल्ली बैठकर आप लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, तो अगर आप लोग आएंगे तो कुछ अच्छे सजेशन मिलकर हम कुछ और अच्छा करा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, अगर आप लोग भी रहेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर,
सर मेरा एक क्वेश्चन है, देखा आपको पहले भी देखा है कि हाँ बिल्कुल अनुप जी बिल्कुल हाँ दीपक जी दीपक जी सर मैं ये पूछ रहा था सर, आप जैसे गांव में, आपको क्या लगता है कि ऐसे गांव में जैसे पलायन भी हो रहा है, तो किस चीज की कमी है और आप किस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, यानी आप कौन से प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? गांव के जैसे हमारे लोग शहरी चले जाते हैं, तो पलायन के लेके या आपका सबसे बड़ा फोकस किस पे है अभी? देखिए मुझे दीपक जी मुझे बात बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर आदमी विकास करना चाहता है, हर आदमी प्रगति करना चाहता है, और ये जो पलायन है ये खाली उत्तराखंड से नहीं, वो हर गांव से आदमी शहर की तरफ आता है, क्योंकि शहर में विकास की संभावनाएं ज्यादा है। अगर अभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में वीजा की पात्रता हटा देंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी और अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि हर आदमी बड़े शहरों में जाना चाहता है, अच्छी जगह जाना चाहता है। अगर आप कहेंगे कि प्लान खाली उत्तराखंड से हुआ तो मुझे लगता है कि ये गलत होगा, हर आदमी विकास करना चाहता है, इसको लेकर हम और बहुत सारे लोग शहरों की तरफ आ गए हैं, क्योंकि पहाड़ों में और गांव में मेहनत बहुत ज्यादा होती है। हर गांव में खेती अगर करेंगे तो खेती में मेहनत बहुत ज्यादा है, और पेन और कलम से अगर काम करेंगे कंप्यूटर में बैठकर एसी कमरे में तो आराम ज्यादा होता है, और आय भी ज्यादा होती है, खेती में मेहनत ज्यादा है और आय कम होती है, तो इसीलिए लोग शहरों की तरफ आए। लेकिन अगर काम करना चाहेंगे तो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हिमाचल के पैटर्न पे जाने का हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में हम लोग डेवलप करें। मेरे जो सरायखेत का क्षेत्र वो बहुत अच्छा करोड़ होता है, और धीरे धीरे मैं अपनी विधानसभा को फल पट्टी के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि पारंपरिक खेती को छोड़कर हम लोग आस पास के खेतों में सब्जी उत्पादन, हमारे यहाँ लखोरा घाटी की मिर्च होती है, वो लखोरा घाटी की मिर्च को पैटर्न कर पूरे उत्तराखंड में मैं उसके लिए विकास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा कराकर उसको पहचान देने के लिए पूरे देश में उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, और फल पट्टी के रूप में अपनी विधानसभा को विकसित करने के लिए काम कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में लोग धीरे धीरे जो जब फल पट्टी विकसित हो जाएगी और मेहनत कम हो जाएगी और परिणाम ज्यादा अच्छे आएंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लोग शहरों में आकर 8-10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं वो वापस हमारे पहाड़ को जाएंगे। योजना हम लोग बना रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से भी सब युवाओं से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने गांव को हम लोग फल पट्टी के रूप में विकसित करें, क्योंकि एक बार 2-3 साल के लिए मेहनत जरूर होगी, लेकिन आने वाले टाइम में उसके सुखद परिणाम होंगे, ऐसा आपके माध्यम से मैं सब अपने युवा साथियों से निवेदन कर रहा हूँ, एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि उत्तराखंड से प्लान हो रहा है, तो प्लान तो पूरे देश के गाँव से हुआ है, इसका आप अगर डाटा मांगेंगे तो आपको नजर भी आएगा। जी जी सर जी बिल्कुल सर। सर जैसे मैंने ये देखा है कि आप बड़े एक्शन भी लेते हो, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपके, और आप बिल्कुल जैसे रोड के ऊपर भी मैंने काफी वीडियोस देखे, एकदम से एक्शन लेते हो सर, मतलब किस तरह, मतलब आप रोड पे और किस तरह से जोर दे रहे हो, मतलब मैंने देखा है कि आपके 2-3 वीडियोस देखे हैं मैंने ऐसे। मैं रावत जी आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, देखिए ये वीडियोस मैंने तो बनाए नहीं थे, वो कुछ लोगों ने बना लिए होंगे तो आपको मिल गए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं विधायक हूँ, अपने क्षेत्र में अच्छे काम हो, काम गुणवत्ता पूर्वक हो, अगर किसी कॉन्ट्रेक्टर को भी काम मिला उसको उसका सरकार पैसा दे रही है तो काम भी मान्यतानुसार ठीक हो, ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, लेकिन ठेकेदारों से मिलकर उसकी अनदेखी अगर हम लोग करेंगे तो अपने क्षेत्र के साथ अन्याय करेंगे, इस चीज के लिए मैं जागरूक रहता हूँ, मैं अपने क्षेत्र के सब जनप्रतिनिधियों को, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सभी लोगों को जागरूक करता हूँ, अपने ब्लॉक प्रमुख को भी मेरा निवेदन रहता है कि मिलजुल कर अपने क्षेत्र को आगे लाने के लिए हम लोग काम करें, किसी दल के लोग हम बाद में रहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र को हम लोगों को आगे लाना चाहिए, उसी के मद्देनजर हो सकता है कि कुछ मेरे आपको वीडियोज मिले होंगे, पर उन सब में मेरा एक ही मेरा एक साफ दृष्टिकोण रहता है कि मेरे क्षेत्र में जो काम हो वो नियमानुसार और अच्छे काम हो, गुणवत्ता के पूर्वक लिए हुए हो, इसके लिए वो मैं प्रयास रहता हूँ, और अपने को युवा समझता हूँ और विधायक के साथ साथ एक कार्यकर्ता समझता हूँ, और लोगों की जिम्मेदारी, लोगों ने मुझे प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, अपने क्षेत्र के विधायक के तौर पर काम करने का मौका दिया है, और कोई भी काम मैं ऐसा ना करूं जिससे मुझे लोगों से नजरें चुराने पड़े, मेरी वजह से मेरे क्षेत्र के लोगों का सर नीचे हो, ऐसा कोई काम मैं ना करूं, ये मेरा प्रयास रहता है, जिसका परिणाम भी जनता मुझे हर साल मेरा रिपोर्ट कार्ड जब 5 साल के बाद उनके सामने रिपोर्ट कार्ड रख देता हूं तो अच्छे नंबर देकर मुझे वो दोबारा विधायक कराती है, और ये सब जनप्रतिनिधि से भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर जनता में कोई जिम्मेदारी दे रही है तो पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से हमें अपना काम को करना चाहिए, यही मैसेज भी मैं आपके माध्यम से देना चाहूंगा। जी सर।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज और है कि आप जैसे हमारे गांव बहुत संघर्ष करती है, तो आपका कोई संदेश है हमारे बहनों से, हमारे बेटी वारी जो भी है, जो घरेलू छोटे छोटे उद्योग जो है वो गांव में कर सकते हैं, ऐसे कुछ महिलाओं के लिए, हमारे बहनों के लिए, उनके लिए कोई ऐसा संदेश जो छोटे छोटे उद्योग कर सके गाँव में? देखिए दीपक जी, हमारी बहनें माँ बहनें बहुत मेहनत करती हैं, और मुझे लगता है कि पहले टाइम था कि बहुत ज्यादा ज्यादा लोगों को रोड पानी बिजली के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज मेरी विधानसभा में तो 90% गांव सड़क से मैंने जोड़े हैं, हर घर घर में मोदी जी की योजना, हर घर में जल, हर घर में नल, आने वाले टाइम में पानी भी गाँव गाँव पहुंच रहा है। तो मेरा निवेदन है कि जो दूर दूर के खेत है उनमें बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम हम लोग ना करें, वहाँ फल के पेड़ लगाने का काम करो। आज की खेती में सरकार बहुत सारी योजना बना रही है, जैसे पॉली हाउस लगा रही है, तो सब्जी उत्पादन और मशरूम उत्पादन, मुर्गी बाड़ा, बकरी बाड़ा, ऐसे छोटे छोटे काम कर जिससे हमारी आय बढ़ सकती है, जिससे मार्केट भी बहुत ज्यादा, वो हम लोग उन कामों की तरफ ज्यादा ध्यान दें और ऐसे मिलजुल कर योजनाएं बनाए। बहुत सारा ट्रेनिंग कार्यक्रम हो रहा है, हर तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम में हम लोग भागीदारी करें, और अगर जहाँ पर एक विधायक के तौर पर हमारी जरूरत हो तो मैं बार बार अपने क्षेत्र की जनता को कहता भी हूँ, विधायक न समझकर अपना भाई और बेटा समझकर वो हमारे से अपनी शेयर करें, और सरकार से क्या मदद हम लोग कर सकते हैं वो हम उनको जरूर मुहैया कराएंगे। आपके माध्यम से उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों पर हम लोग अपना ध्यान फोकस करें जिसमें हमारी कम मेहनत के साथ आय बढ़े, और आज के टाइम में जिसमें समय पर बारिश नहीं होती, जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा आतंक भी है, उनसे बचकर हम क्या चीजें कर सकते हैं उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करें, और इसके लिए मेरी जहां मदद होगी, अधिकारियों की जहां मदद होगी, मदद मैं उनके गांव में जाकर उनको मुहैया कराऊंगा, इस बात का मैं संदेश आपके माध्यम से दे रहा हूं। जी सर, और सर हमारे अभी जितने भी लोग हैं हमारे गांव के लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे सर आप? गांव के लोगों से मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहते हैं बहुत अच्छी चर्चा हो, तो कभी हम लोग एक बहुत अच्छी वर्चुअल रैली में हम लोग आपसे निवेदन करो कि हम लोग भागीदारी करें, उसमें आप बहुत सारे प्रधान, मात्र ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को जोड़ें, तो सबके अनुभव मिलकर कि मैं वहां का विधायक हूँ और उस हिसाब से मैं अपने स्कल्ट विधानसभा का प्रथम नागरिक भी होगा, तो उन सबके साथ बैठकर उनके बहुत सारे होंगे, तो उनका जवाब मैं आसानी से दिखाऊंगा, तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं एक अच्छा कॉन्फ्रेंस रू आप ये वर्चुअल रैली के माध्यम से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक तय करें, उसमें सब लोग चर्चा करेंगे, लोगों की दिक्कतों का समाधान करेंगे, तो अभी तो मैं आपको यही मैसेज देता हूँ कि हम लोग अच्छा कार्यक्रम तय करें, क्योंकि आजकल कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो क्षेत्र में रहकर तो बड़ी रैली करना संभव नहीं है, लेकिन आजकल ये अपना सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जुड़कर बहुत अच्छे लोगों के सुझाव लेकर और अच्छा काम कर सकते हैं क्षेत्र में, ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सर हमारे जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे हर 3 साल में मेला जतौड़ा होता है, जिसे हम मेला होता है, एक बड़ा पूजा होता है, तो सर हम चाहेंगे कि हम अगर आने वाले 2021 में या 22 में जब भी होगा तो हम आपको जरूर उसमें आमंत्रण करना चाहेंगे, और हमें विश्वास है कि आप आएंगे वहाँ पे जिस टाइम पे ये पूजा होती है। बिल्कुल दीपक जी, मैं बिल्कुल, ये तो पूजा में शामिल होना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और माँ कालिंका देवी का आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त होगा, लेकिन हमारे वहाँ पे जो एक मेला लगता है कहीं ना कहीं एक अलग प्रथा से लेकर जुड़ा होगा, जिसमें सरकार की तरफ से हमको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लोग इसमें मेले में थोड़ा कम जाएं, क्योंकि वहाँ वो एक बलि प्रथा का भी पहले बहुत चलन था जो आजकल कोर्ट ने बैन कर दी है, हमारे जाने से कई बार ऐसा कोई इशू ना बन जाए जिससे शासन प्रशासन को दिक्कत है, तो ऐसा मामला रहता है, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर अच्छा मेला आयोजित करेंगे तो मैं जरूर उपस्थित रहूंगा, इस बात का आपको भरोसा है। सर एक तो वहाँ पे सर अभी बलि प्रथा वो तो खत्म हो गई है, एक दूसरा सर संदेश इससे ये है मंदिर से कि हमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को सबको जोड़ के रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। बिल्कुल, मैं आपके मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं स्वयं भी और जो उस क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र के हमारे 2-3 विधायक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग उपस्थित रहें, इस बार मेले को भव्य आयोजन करें, हो सकता है तो हमारा निर्माण कार्य भी कुछ वहां पर हो चुका होगा, एक अच्छा संदेश देने का हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब मेला इस साल जब भी लगेगा तो थोड़ा पहले सूचना देंगे ताकि हम लोग अच्छा कार्यक्रम तय कर पाए, और अपने राज्य के पर्यटन मंत्री जी को भी वहां हम लेकर आए, और कोशिश करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ जाए, तो ऐसा प्रयास मिलजुल कर करेंगे, ऐसा मैं आपके लिए निवेदन करना चाहता हूँ। जी सर,
सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा कोई लक्ष्य है जो आप अल्मोड़ा में लेके चल रहे हैं, यानी वो आपको पूरा करना है, ऐसा कोई काम है जो आप जिसको कर रहे हैं? क्योंकि जैसे रोड पक्की के लिए आपने बहुत सारे, आप मैंने देखा है कि आप बॉर्डर स्टिक हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर मैं देखूं गढ़वाल और कुमाऊं को, तो गढ़वाल में मुझे ऐसा लगता है, कुमाऊं में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है, यानी रोड से लेकर हर लाइट से लेकर हर चीज से लेकर, भले लेट हुआ है लेकिन ज्यादा हुआ है। देखिए भाई, मुझे लगता है कि अगर हम गढ़वाल कुमाऊं की बात करें तो बेमानी रहेगी, सब जगह उत्तराखंड के हर विधानसभा में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, विकास की रफ्तार भी धीरे 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 करके बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और बहुत सारे इन्वेस्टर भी हमारे राज्य में आ रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। और अगर एक चीज को लक्ष्य लेकर चलेंगे तो मुझे लगेगा कि ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, आई 90% हिमाचल के लोग हिमाचल में रहते हैं, अगर जो 10% लोग बाहर रहते हैं वो भी मेहनत मजदूरी वाले लोग नहीं है, या तो बहुत बड़े व्यवसायी है या बहुत बड़े अधिकारी है, तो मैं उत्तराखंड को लेकर भी यही सपना देखता हूँ। वो दिन कब आएगा जब 90% उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रहेंगे, तब ऐसा दिन हमको देखने को मिलेगा कि हम लोग उत्तराखंड को भी हिमाचल के पैटर्न में, यहाँ पर जैसे वहां सेब संतरे के बगीचे लगे रहते हैं, यहाँ भी हम लोग फल पट्टी के तौर पर विकसित कर वापस हम लोग जो प्रवासी लोग विकास के लेकर अच्छे अच्छे जीवन यापन को लेकर शहरों की तरफ आ गए, कब वो वापस आएंगे, ऐसा मैं सपना देखता हूँ और उसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल राह है, बहुत मुश्किल डगर है, लेकिन एक दिन हम लोग इसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग इसमें जागरूक हो रहे हैं, अभी लोगों ने बहुत रोड पे बादाम के, तेज पत्ते के पेड़, चंदन के पेड़ लगाने का काम चालू किया है, और धीरे धीरे हम इस पर मंडी बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे युवा लोग बाहर चले गए वो वापस आएंगे। मैं तो अपना पूरा ध्यान, क्योंकि पानी बिजली सड़क इस पे तो लोग सभी काम करते हैं, लेकिन मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे हम लोग रोजगार उत्तराखंड में पैदा करें, इसको टारगेट बनाकर, इसको अपना लक्ष्य बनाकर काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जरूर हमें जल्दी सफलता प्राप्त होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा और है कि मुझे कुछ कुमाऊं के, मतलब जो अल्मोड़ा के कुछ लोगों ने बताया है कि जैसे सरायखेत जो क्षेत्र है उसमें वो कह रहे हैं कि कई जगह मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम, जैसे ये पुरातपानी ग्राम सभा है या मटकानी ग्राम, कुछ कुछ गांव में, सब जगह नहीं, कुछ कुछ गांव में, तो ऐसा मतलब यहाँ पे क्या, मतलब वहां पे टावर से लेकर क्या इशू हो जाए? नहीं, वो अभी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत स्थानों पर, लेकिन बहुत जल्दी ऑप्टिकल फाइबर सब जगह लाइन बिक रही है, जियो सब जगह पहुंच रहा है गांव-गांव में, और मुझे लगता है कि आने वाले 4-6 महीने अगर ये कोरोना महामारी नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम से हमने पार पा लिया होता, और बहुत जल्दी ये जो नेटवर्क की समस्या जो है ये इसका समाधान हो जाएगा। और ये धारचूला मुंशारी में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, आने वाले टाइम में नेपाल का नेटवर्क वहां पर काम करता है, लगातार हम कई बार देखते थे कि नेपाल का नेटवर्क तो काम करता है लेकिन उत्तराखंड और भारत का नेटवर्क वहां पर काम नहीं करता है, लेकिन अक्टूबर फाइबर लाइनें लगातार जगह जगह बिक रही है, सरायखेत में भी मुझे लगता है कि 90% वो लाइनें बिक चुकी है, आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में ये नेटवर्क की समस्या का समाधान हो जाएगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। और ये जो थोड़ा देरी भी हुई है ये कोरोना की वजह से हुई है, क्योंकि पिछले 4 महीने बिल्कुल भी जो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि जेसीबी से ये लाइनें डालने का काम सरकार ने बैन कर दिया था, ये मैनुअली काम होना था, लेबर चली गई थी, तो 4 महीने ये देर हुई है, लेकिन इस साल के अंत तक ये सब जगह लाइनें बिक जाएंगी और उसके बाद मुझे लगता है कि ये नेटवर्क की समस्या का ऑटोमेटिकली समाधान होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक विधायक अगर सामने होता तो बहुत सारे क्वेश्चन उभर जाते हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की विधानसभा लगने वाली है, जो भी आपकी आपके मन में कोई प्रश्न है उनको आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे तो उत्तराखंड के सदन में भी उठाऊंगा, और आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि एक युवा विधायक होने के नाते मैं जागरूक रहता हूँ उत्तराखंड के सदन में, उत्तराखंड की जितनी समस्या उनको पूरी मेहनत से उठाता हूँ, आपकी आवाज उत्तराखंड में मैं हूँ और पूरी ताकत लगाकर उस आवाज को मैं वहां व्यक्त करता हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चन लगे वो आप मुझे व्हाट्सएप भेज देंगे, क्योंकि मेरे रूम में ही 4-5 लोग और बैठे हुए हैं जिनको मैंने 12:30 बजे का टाइम दे दिया था और आधा घंटा हम लोग नेटवर्क की वजह से लेट हुए, तो आपके क्वेश्चन मैं दोबारा मिलूंगा, क्योंकि आज हमारा मिलना अंतिम नहीं है, तो शुरुआत हुई है और आने वाले टाइम में और बैठेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के समाधान मिलजुल कर करेंगे, क्योंकि मैं एक विधायक के तौर पर छोटा सा विधायक हूँ, हर चीज का समाधान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास समाधान है मैंने किए, जो रह गए मैं सरकार के पास ले जाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता देंगे, ये निवेदन करते हुए आपसे इजाजत मांगता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ काली माँ से भी प्रार्थना करते हैं कि
आपके भविष्य में जो भी इलेक्शन से रहती आपको शुभकामना है उसके लिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बस ऐसी शुभकामना ही चाह रहा था आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते सर, नमस्कार।